नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 8000 के अंदर के टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में, जो आपके मतलब एक बजट स्मार्टफोन बोल सकते हैं। 8000 के अंदर एक बजट ही स्मार्टफोन आ सकता है, ठीक है, और जिसके अंदर आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। मतलब छोटे मोटे गेम जैसे कि पबजी लाइट हो गया, फ्री फायर हो गया, इस तरह के गेम आप आसानी से खेल सकते हैं। रेसिंग गेम हो गए छोटे मोटे, वो आप टेम्पल रन हो गए, इस तरह के गेम भी खेल सकते हैं। और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों की और डिमांड थी कि भाई बड़ी बैटरी भी होनी चाहिए और फ़ोन ऐसा हो जो हीटिंग वीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम ना दे, अच्छी खासी रैम मिल जाए, अच्छी खासी रोम मिल जाए, इस तरह का कोई फोन हो जो हमें 8000 के अंदर ही मिल जाए दोस्तों, ठीक है। इस तरह की लोगों की डिमांड आ रही थी। जब मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था, वहां पे काफी सारे लोगों का यार प्यार और सपोर्ट मिला, मतलब बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस मिला। इसीलिए मैंने सोचा इस बार उससे भी ज्यादा बेटर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, और उससे भी ज्यादा बेटर स्मार्टफोन भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और सही से समझना है। आपका जो भी बेस्ट स्मार्टफोन हो, जो आपको सबसे ज्यादा इस लिस्ट में पसंद आए, उसको आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है भाई Redmi की तरफ से, Redmi 8A Dual। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको सब कुछ बेस्ट ही मिल जाएगा, मगर इसमें एक दो चीजें हैं जो प्रॉब्लम की हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसकी बैटरी देखिए, सबसे बेस्ट इस फोन में मुझे बैटरी लगी 5000 mAh की बैटरी है, वो भी आपको इतने कम प्राइस में मिल रही है, यानी कि 8000 के लगभग का फोन है दोस्तों ये, ठीक है, जिसमें आप 13 MP का कैमरा देख सकते हैं, 13+2+8 MP का डुअल कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी डिस्प्ले साइज है 5.8 इंच दोस्तों, ठीक है। और इसमें रैम वेरिएंट दिया गया 2GB 32GB, एक्सपेंड कर सकते हो 512GB तक दोस्तों। प्रोसेसर आप देख ही सकते हैं 439 का लगा हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये भी प्रोसेसर काफी बेस्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके कुछ प्रॉब्लम के बारे में बता देते हैं। इस फोन में सब कुछ सही है, सब कुछ बेस्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसकी रैम आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, थोड़ा सा निराश कर सकती है। तो जो भी लोग इस फोन को लें, वो लोग इस फोन में ज्यादा एप्लीकेशंस ना डालें, क्योंकि इसमें रैम बहुत कम है। आप देख सकते हैं 2GB 3GB रैम में आप ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी रैम भर जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसकी रैम के हिसाब से अगर फोन को चलाएंगे तो फोन आपका बहुत बेटर चलेगा और आपको परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी ही देगा दोस्तों, ठीक है। तो जिनके पास बजट इतना कम हो और बैटरी उनको बड़ी चाहिए, छोटी मोटी गेमिंग भी करनी है, तो वो इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, अच्छी खासी गेमिंग इसमें हो जाएगी छोटे गेम की। अब बहुत बड़ा गेम खेलेंगे तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरा हमारा स्मार्टफोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स हॉट 8। जी हाँ दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, और आप इसका प्राइस तो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि इसका जो प्राइस है वो 8,084 के बीच में रहता है दोस्तों। अगर ऑफर आता है तो 8,000 का ही ये मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सबसे बेस्ट जो मुझे देखने को मिलता है वो दोस्तों मिलती है इसकी रैम 4GB 64GB, सबसे बेस्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, सबसे बेस्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 13 MP+2 MP+2 लो लाइट सेंसर, 8 MP फ्रंट कैमरा दोस्तों, ठीक है। 16.56 इंच सेंटीमीटर के डिस्प्ले मिल जाती है, 6.52 इंच की डिस्प्ले, जो कि मेरे हिसाब से एक नॉर्मल यूजर्स के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। प्रोसेसर आप देख ही सकते हैं, लो लेवल का प्रोसेसर लगा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा हाई फाई गेमिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ पबजी लाइट और ये छोटे मोटे जो गेम होते हैं लाइट वर्जन वाले, ये गेम आप आसानी से इसमें खेल पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे हिसाब से अगर जो लोग इस फोन को यूज कर रहे होंगे उनको बैटरी में तो इसके कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिली होगी, क्योंकि भाई बैटरी इसमें 5000 mAh की मिल रही है और इतने कम प्राइस में इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये फोन बेस्ट जरूर हो जाता है। अगर आपका फोन 8000 के लगभग है और आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको नॉर्मल टाइप की हर चीज हो जाए उसके अंदर, आपको किसी भी चीज के लिए रोना ना पड़े, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से दोस्तों, इस इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, ठीक है। तो दोस्तों ये भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए हो जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 3GB की रैम, 32GB की रोम, और एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो 17.32 सेंटीमीटर की डिस्प्ले दी गई है, जो
0.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से लग रही है। HD प्लस डिस्प्ले दी जा रही है इतने कम प्राइस के साथ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप कैमरा देख ही सकते हैं, कैमरा वही पिछला वाला नॉर्मल वही 13 प्लस डेप्थ प्लस डेप्थ सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और उसके साथ साथ इसमें एक सबसे बेस्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 6000 mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से इतनी प्राइस में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाती है मेरे भाई। भाई मान लो इतने कम प्राइस में अगर आपको इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है, 6000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो कोई बुराई नहीं है इस फ़ोन को लेने में। मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मीडियाटेक का हीलियो का प्रोसेसर लगा है, A25 प्रोसेसर है, और ये भी प्रोसेसर नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल टाइप की गेमिंग और छोटे मोटे रेसिंग गेम, हाँ। लेकिन जिनको डेली यूजेज के लिए लेना है, जिनको व्हाट्सअप फेसबुक इस तरह के ही केवल यूजेस करने हैं, नॉर्मल टाइप के यूजेज हैं, उनके लिए ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। क्योंकि भाई बैटरी परफॉर्मेंस में कभी आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी तगड़ी बैटरी दी गई है कि कभी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, कहीं भी आपको जाना हो इतनी जल्दी से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, इन सब वीडियो के अगर आप फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च मार सकते हैं, सबके फुल डिटेल वीडियो भी बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको केवल टॉप बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वही केवल दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि होने वाला है इससे भी ज़्यादा बेस्ट। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो आता है असूस की तरफ से, और ये एक फ़ोन दोस्तों जो है ना, ये भाई गेमर के लिए, जिनके पास बजट कम है और उनको एक गेमिंग करनी है, मतलब एक नॉर्मल टाइप की गेमिंग करनी है, उनको गेमिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जो फ़ोन केवल गेमिंग के लिए ही लेते हैं, तो अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। क्योंकि ये आता है दोस्तों असूस की तरफ से, असूस ज़ेनफोन मैक्स M2। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगा है प्रोसेसर, अच्छा लगा है इसके अंदर, 632 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा है, जो कि आपकी नॉर्मल पबजी लाइट और इस तरह की गेमिंग को आसानी से चला सकता है, बिना लैग के साथ कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। 3 GB रैम 32 GB रोम है, जिसमें आप आसानी से पबजी लाइट खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 2 TB। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको डिस्प्ले साइज भी काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है, 6.26 इंच आप देख ही सकते हैं डिस्प्ले पे, HD प्लस डिस्प्ले है, यहाँ पे 13 MP प्लस 2 MP प्लस 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। बैटरी यहाँ पे थोड़ा सा छोटी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाई प्रोसेसर बड़ा है तो बैटरी कुछ ना कुछ तो घटाएंगे ही। तो यहाँ पे भैया 4000 mAh की बैटरी मिलती है, मगर मेरे हिसाब से 4000 mAh की भी बैटरी कोई बुरी बैटरी नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगी दोस्तों। और ये फ़ोन भाई गेमर के लिए सबसे बेस्ट है, इसमें आपको सेंसर वगैरह, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बजट स्मार्टफोन हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए भाई बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वो दोस्तों आता है आज की जेनरेशन का Realme C11। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है, और इसमें आपको रैम थोड़ा कम देखने को मिलेगी, 2 GB रैम 32 GB रोम, एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक, लेकिन यहाँ पे भैया एंड्रॉयड का लेटेस्ट आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, मीडियाटेक का आपको हीलियो G35 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए बेस्ट है। और बात की जाए यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी भाई ज़बरदस्त मिल जाएगी, रियलमी की बैटरी तो काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ भी की होगी, तो 5000 mAh की बैटरी मेरे हिसाब से बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियाँ भी हैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। उससे पहले कैमरे के बारे में सुन लो, तो कैमरा भाई 13 MP प्लस 2 MP प्लस 5 MP प्लस फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कमियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पे दिक्कत कर सकती हैं, वो है दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों, हाँ। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूँ, यहाँ पे भैया रियलमी के मतलब ब्रांडिंग मिल जाती है, वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रियलमी के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आ रहे हैं, तगड़े आ रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है कि ये आपका फ़ोन लैग करेगा, हैंग करेगा, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से इसको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको हो सकता है अगर ऑफ़र चल रहा हो तो ये 7000 से भी नीचे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ये 7400 आपको अभी दिखा रहा है, लेकिन जब ऑफर में आता है तो ये 7000 से भी नीचे आ जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से 7000 के मतलब अंदर अगर देखा जाए तो ये 5 के 5ों ही स्मार्टफोन बेस्ट हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन से टाइप का स्मार्टफोन चाहिए, आपको गेमिंग करनी है, डेली लाइफ में यूजेज करना है, या फिर कुछ और करना चाहते हैं, कॉलिंग के हिसाब से बात करना चाहते हैं, या फिर आप मतलब हर तरह के। इसमें मैंने 5 अगर फ़ोन चूज़ किए हैं
इस वीडियो के अंदर। तो पांच के पांचों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे सब सही हैं, कोई गेमिंग के लिए, कोई डेली लाइफ के लिए है, कोई किसी में बैटरी ज़्यादा बड़ी है, किसी में कुछ है, सब कुछ है। ये भी फ़ोन सबसे बेस्ट है, लेकिन बस इसमें कुछ कमियाँ हैं जो कि मुझे सबसे दिक्कत की लग रही हैं। जो रैम इसमें है वो रैम थोड़ा सा कम आपको मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट भी नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अब आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपका इनमें से सबसे बेस्ट और सुपर फ़ोन कौन सा रहा, मतलब इतने स्मार्टफोन में से आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा, और अगर आपको अगर कोई ख़रीदना हो अंडर 8000 में स्मार्टफोन, तो आप इनमें से कौन सा स्मार्टफोन चूज़ करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें कमेंट आपके कमेंट का रहेगा वेट। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना मेरे भाई, जिससे नए वीडियो सबसे पहले मिले।